एमपी के रायसेन जिले में बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें प्रशासन अधिकारी की लापरवाही देखी गई है। रायसेन जिले में सांवरियों से भरे एक ऑटो को एसडीएम की कार ने टक्कर मार दी। घटना में एक युवक की मौत हो गई है और 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को भोपाल रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद जब्त की गई गाड़ी एसडीएम की बताई गई है। वहीं सड़क दुर्घटना की जानकारी लेते हुए कलेक्टर अरविंद दुबे, सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल ओल्ट, कलेक्टर इंस्टीट्यूट राकेश सिंह राघव जिला अस्पताल पहुंचे। जाखा पुल और माना ढाबे के बीच में एक एक्सीडेंट हुआ है, जो ऑटो में एक परिवार बैठा था, बता रहे हैं उसमें 9 से 10 लोग थे, 2 बच्चे भी थे। एक्सीडेंट में एक युवक की डेथ हुई है। ये भोपाल का परिवार था और नखतरा के पास चिलवाहा में किसी धार्मिक काम से कल आया था और ये लोग वापस जा रहे थे। जी साहब, ओवरटेक कर रहे थे। वो कौन कर रहा था? एसटीएम की गाड़ी साहब। हाँ, कहाँ पे घटना करा? जी अपने क्या कौन सा बोलते अपने नीम खेड़ा। हाँ। वहीं पे उन ओवरटेक में हम साइड में थे, उन ओवरटेक मार दिए बस। हाँ। कितने लोग खत्म हुए? परिवार तो पूरा 8-10 जन। खत्म भी हुआ है अभी? चाचा को पता नहीं पड़ रहा है कुछ।